सुंदरनगर में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से स्थानीय विधायक राकेश जम्बाल के कर कमलों द्वारा आज वीडियो ऑफिस के सभागार में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विश्राम गृह का शिलान्यास किया गया। इस विश्राम गृह के बनने से दूर दराज से आए हुए पंचायत प्रतिनिधि को ठहरने की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि जयराम सरकार का सपना हर गरीब परिवार को योजनाओं का लाभ देना और सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस मौके पर गृहिणी सुविधा के तहत गरीब परिवार की गृहिणियों को मुफ्त गैस कनेक्शन भी प्रदान किए गए। ज्वालामुखी के समीप अद्वानी पंचायत में गोसदन ज्वालामुखी का काम पिछली सरकार ने शुरू किया था और 2017 में ये बनकर तैयार हो गया था, जिसको अभी तक चला नहीं सके। अब प्रदेश सरकार जगह जगह आवारा पशुओं के लिए गोसदन खोल रही है। अब बहुत जल्दी ज्वालामुखी में अद्वानी और लुथान में गोसदन तैयार किए जाएंगे। ज्वालामुखी में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा पहुंचे, उनके साथ हिंदू हिमगिरी महासभा अध्यक्ष संजय शर्मा, महासचिव प्रदेश कृष्ण शर्मा, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अतुल चौधरी, डॉक्टर संजीव कुंडू व अन्य विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर उनका ज्वालामुखी पहुंचने पर स्वागत किया गया। अशोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालामुखी में जल्द ही गौ सेवा सदन कार्य करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार गौ वंश को आश्रय देना ही गौ सेवा आयोग का असल मकसद है। इस मौके पर उन्होंने ज्वालामुखी नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी देशराज चौधरी को भी फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि ज्वालामुखी गौ सदन अब तक क्यों नहीं चला है, जो भी खामियां हैं उन्हें जल्द दूर करके गौ सदन को 2 महीने के अंदर अंदर चलाया जाए। इसके लिए वे खुद जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति से बैठक करेंगे। नूरपुर विधानसभा के गांव गनोह में स्वदेशी कामधेनु गौशाला भारतीय देसी नस्ल की साहिवाल गांवों पर लगभग 2.5 वर्ष से कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य इस नस्ल का संरक्षण संवर्धन और नस्ल सुधार का कार्य करना है। कामधेनु गौशाला के ऋषि डोगरा ने खास बातचीत के दौरान कहा कि 2.5 वर्ष में हमने इस गाय की ब्रीड को आगे ले जाने की कोशिश की है और बहुत सारे लोकल उत्पादों का निर्माण भी किया है, जिनका अच्छा मार्केट दिखाई देता है। इन गौ उत्पादों से हम चाहते हैं कि ऐसी गौशालाएं जो स्वावलंबी बने, क्योंकि सिर्फ दूध पर कार्य करके सिर्फ हम इन गौशालों को नहीं चला सकते। इन गौशालों को अगर स्वावलंबी बनाना है तो हमें पंचगव्य और गौ उत्पादों पर कार्य करना पड़ेगा। हम यही आसपास क्षेत्र की ओर हिमाचल के किसानों को भी समझाना चाहते हैं कि इस गाय का पालन कामधेनु इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये गाय अपने आप में सारी चीजों की निर्माता है। ऋषि डोगरा ने बताया कि इन 2.5 वर्षों में कुछ समस्याएं हैं जो हमने रखी हुई हैं और उनका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। पिछले 1.5 वर्ष से हमें पानी की बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए पूर्व सांसद कांगड़ा चंबा शांता कुमार ने 2.5 लाख का फंड सक्षम किया था। इस गौशाला के लिए वो फंड संबंधित विभाग में आ भी गया है और क्लीननेस भी हो गई है। जब विभाग से बात की गई तो संबंधित अधिकारी से तो बार बार अधिकारी टाल मटोल ही करते रहे, कभी कुछ बोल रहे हैं तो कभी कुछ। देखा जाए तो ना प्रदेश सरकार ने और ना ही विभाग ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। ये प्रदेश स्तर का प्रोजेक्ट है जिसको हम ले जाना चाहते हैं, पर एक छोटी सी पानी की समस्या को सरकार व संबंधित विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। ऋषि टोगरा ने कहा या तो कोई राजनीतिक प्रेशर है या विभाग की अपनी ही कोई मजबूरी है जो एक छोटा सा कार्य गौ माता के लिए नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस काम से मदद नहीं मिलेगी तो लगता नहीं है कि कोई भी किसान इस काम को करने में आगे आएगा। सरकार से आग्रह किया जाता है कि ऐसे कार्यों के लिए जो संभव हो सके वो प्रयास करें। स्कूल को हरा भरा रखने व पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से नोनी के सेंट एम्ब्रोस पब्लिक हाई स्कूल नोनी में मुख्यमंत्री हरित क्रांति विद्यालय अभियान के तहत स्कूली बच्चों द्वारा पौधारोपण किया गया। स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण करने से पहले स्कूली बच्चों को अध्यापकों द्वारा विभिन्न तरह के पौधे व उनकी उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया गया। इस मौके पर स्कूल प्रांगण व आसपास कनेर
प्राइड ऑफ इंडिया केनिया आदि प्रजाति के पौधे रोपे गए। वहीं पौधारोपण के बाद स्कूली छात्रों को इन पौधों की देखरेख करने का जिम्मा भी सौंपा गया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल मीरा शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री हरित क्रांति विद्यालय अभियान के तहत स्कूली बच्चों द्वारा पौधारोपण किया गया। स्कूल व आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण करने से पहले स्कूली बच्चों को अध्यापकों द्वारा विभिन्न तरह के पौधे व उनकी उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया गया। इस मौके पर स्कूल प्रांगण व आसपास कनेर प्राइड ऑफ इंडिया केनिया आदि प्रजाति के पौधे रोपे गए। इसमें पहले बच्चों को इन जो प्लांट्स लगाए गए इनकी महत्वता के बारे में बताया गया और बच्चों ने स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ इसकर इसमें भाग लिया। आगे के लिए इन बच्चों को जो ये पौधे इन बच्चों ने लगाए सभी की सहायता से सभी अध्यापकों ने भी इसमें भाग लिया और इस इन पौधों की देखरेख करने का जिम्मा भी इन बच्चों को दिया गया कि आगे भविष्य में इन बच्चों जब तक ये बच्चे इस स्कूल में है इस इन पौधों की देखरेख करें।